कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में देश में वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से भी सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को अहम निर्देश भेजे गए हैं। अब कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्र के निर्देश के अनुसार कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। मौजूदा वक्त में पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 28 दिन का है, यानी कि अब एक से दूसरी डोज के बीच का अंतर एक महीने से बढ़ाकर लगभग 2 महीने कर दिया गया है। एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। केंद्र द्वारा जानकारी दी गई कि NTAGI और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रुप की ताजा रिसर्च के बाद ये फैसला लिया जा रहा है, जिसका अमल राज्य सरकारों को करना चाहिए। दावा किया गया है कि अगर वैक्सीन की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बीच दी जाती है तो ये अधिक लाभदायक होगी। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारत में अभी सबसे अधिक उपयोग इसी वैक्सीन का हो रहा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब